देश भर में हाल ही में 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, वहीं 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। दोनों ही उपलक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जवाहर कला केंद्र की ओर से अतुल्य अगस्त प्रोग्राम के तहत 11 से 17 अगस्त तक अलंकार दीर्घा में विरासत से विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रियंका जुदावत जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जवाहर कला केंद्र में कई नवाचार होते रहते हैं, कई प्रोग्राम्स होते रहते हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विरासत से विकास की ओर आयोजन इसका किया जा रहा है। जानेंगे क्या कुछ प्रोग्राम है मैम, क्या प्रोग्राम है विरासत से विकास की ओर? जी हाँ, जैसा कि नाम से ही विदित है, विरासत से विकास, और इसमें हैंडलूम जो हमारा एक परंपरा रही है उसी को लेके हमने एक एग्जीबिशन कर रहे हैं जो कि 11 अगस्त से शुरू होगी, और वो एक हैंडलूम एग्जीबिशन है जहां पे आप आएंगे 100 ईयर 200 ईयर्स की जो हमारे परंपरागत वस्त्र है या उसके अलावा अदर जो भी हमारे पास में आइटम्स है उसका यहां पे डिपिक्शन होगा, और उसी के साथ में जो हमारी ट्राइबल आर्ट है उसको भी हम यहाँ पे उसमें एक ट्राइबल हार्ट लगाई जाएगी। उसी के साथ में जो ऐसे ही परंपरागत या पारंपरिक पदों को गाने वाली एक गायिका है रमा जी, वो यहाँ पे आ रही है, तो उनकी भजनों की प्रस्तुति होगी। जी एक जैसे अभी आपने बताया था कि हर घर तिरंगा जो अभियान है उसे लेकर भी आप कुछ करने वाले हैं? जी हाँ जी, ये तो अपने को विदित है कि जो अपन झंडे की तिरंगे की बात करते हैं अपने हाथ में होता है तो कितना प्राउड फीलिंग होता है। उसी भाव को लेते हुए चूंकि 15 अगस्त आ रहे और अतुल्य अगस्त नाम दिया है, उसी के तहत 14 अगस्त को हमने मुंबई से एक मुंबई की टीम आ रही है जो कि बोस्की के कप्तान चाचा गुलजार साहब का जो प्ले है और उसको यहाँ पे उसकी प्रस्तुति हम रंगायन में करा रहे हैं जो कि 14 को मॉर्निंग 10:30 और इवनिंग 7 बजे उसका प्रसारण किया जाएगा। एक छोटा सवाल और है, जैसे अगस्त महीने को आपने अतुल्य अगस्त नाम दिया है, क्या जवाहर कला केंद्र की ओर से हर महीने इसी प्रकार के कुछ आयोजन देखे जाएंगे? जी जी, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व अच्छा भी हो रहा है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट माननीय डिप्टी सीएम मैडम और जो हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम है गायत्री राठौर मैडम, उन्हीं के निर्देशन में जवाहर कला केंद्र क्रिएटिवली हर महीने में कुछ ना कुछ कर रहा है। और उसी में जो एक हमारा जो जवाहर कला केंद्र का जो एक आर्ट एंड कल्चर को लेके उसके जो पार्ट्स है जैसे कि म्यूजिक एंड डांस है, लिटरेचर है या विजुअल आर्ट है या रंगमंच है, उसी को ही लेके हम हर महीने को एक थीम देते हैं। जैसा अतुल्य अगस्त इस बार है, पिछली बार हमने जुलाई का झंकार किया था और आगे आने वाले टाइम में पिछली बार से ये शुरू किया था तो सितंबर का स्पंदन, तो वहां पे भी कुछ वहां पे साहित्य होगा, संगीत होगा, सिनेमा, बहुत सारी ऐसी चीजें होगी। हम ये करते हैं कि हर महीने में खास क्या है उसी खासियत को लेते हुए जवाहर कला केंद्र अपनी प्रोग्रामिंग करता है। थैंक यू सो मच। ये थे प्रियंका जुदावत जी, और जिस प्रकार से अगस्त के पूरे महीने को अतुल्य अगस्त नाम दिया गया है और आने वाली 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक विरासत से विकास की ओर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आह्वान है कि हमारी विरासत को संजो कर किस प्रकार से विकास किया जाए, उसी थीम पर जवाहर कला केंद्र 11 से 17 अगस्त को एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है जिसमें न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारतवर्ष से ऐसी ऐसी चीजें जो हमारी विरासत को दर्शाती हैं वो यहां पर प्रदर्शित की जाएंगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।